हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। नवरात्रि बहुत ही स्पेशल होती है और जब भी हम लोग नवरात्रों का व्रत खोलते हैं तो उन्हें हलवा पूड़ी और चने से ही खोलते हैं। नवमी के दिन छोटी छोटी कन्याओं को बुलाकर उनका कन्या पूजन किया जाता है और उन्हें हलवा पूड़ी और चने का प्रसाद खिलाया जाता है। हमारे यहाँ ये नवमी में होती है और बहुत लोगों के यहाँ अष्टमी को भी होता है। तो यहाँ पे मैं प्रसाद बना रही हूँ, इसके लिए मैंने चने को थोड़े से नमक और थोड़ी सी हल्दी के साथ बॉयल करने के लिए रख दिया है। ये चने मैंने रात में भिगा दिए थे तो वो ओवरनाइट सोक किए हुए चने हैं। और जब तक वो चने बॉयल हो रहे हैं, इधर मैंने एक कढ़ाई में देसी घी डाल के और सूजी को भूनने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ा ही घी डाल रही हूँ और सूजी को इसमें अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो जब तक हमारे चने बॉयल होंगे, सूजी भी रोस्ट हो जाएगी और साथ ही साथ दोनों प्रसाद तैयार हो जाएंगे। और हम साथ में बनाएंगे पूरियां, जिसके लिए मैंने आटा पहले से तैयार कर लिया था। तो अब यहाँ पे हमारी सूजी अच्छे से रोस्ट हो गई है और इसमें मैं जितना सूजी था उसका डबल क्वांटिटी में पानी डाल रही हूँ और सूजी जितनी थी उसके बराबर क्वांटिटी में चीनी डालूँगी। जब भी हम लोग हलवा पूड़ी और ये चने बनाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और टेस्ट की गारंटी मेरी। आप कोई भी प्रसाद बनाएं, वो सच में बहुत टेस्टी लगता है और शायद इसके पीछे हमारी श्रद्धा जुड़ी होती है और इस वजह से वो बहुत टेस्टी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे चने बॉयल हो गए हैं। यहाँ पे अभी भी हलवे में पानी दिख रहा है। आंच को हम एकदम स्लो पे कर देंगे जिससे कि सूजी को अच्छे से फूलने का टाइम मिले। और देखिए, थोड़ी ही देर में ये पानी सूख गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ। ये हलवे को एक अच्छी सी शाइन देता है और मॉइस्चर भी मेंटेन रहता है हलवे का, तो ये सूखता नहीं है। और देखिए, हमारा औसम सा हलवा रेडी है। इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैंने थोड़े से डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर और काजू और बादाम डाल दिए हैं और बस हलवा हमारा रेडी हो गया है। अब हमारे चने चेक कर लेते हैं। तो एक मैं दबा के देख रही हूँ तो ये अच्छे से कुक हो गए हैं। तो चलिए फटाफट से अपने चने भी रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसमें हींग और जीरा डाल रही हूँ। और हींग जीरा डालने के बाद मैं इसमें अपने बॉयल्ड चने डाल दूँगी। इसमें मैं बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ और इसमें लहसुन और प्याज भी नहीं पड़ता है। बस थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च, भुना हुआ जीरे का पाउडर और काली मिर्च और ज़रा सा नमक, बस यही डालती हूँ मैं और बहुत ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ। और इधर हमारी पूरियाँ भी रेडी हो गई हैं और अब मैं इसको 9 जगह लगा रही हूँ क्योंकि ये मंदिर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 9 जगह सेट कर लिया है हलवा पूड़ी और चने, और इसके बाद इसे मंदिर में भेजा गया है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और माता रानी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।